नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों रजनीकांत 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी का साथ देंगे, तमिलनाडु बीजेपी चीफ का दावा। सुपरस्टार रजनीकांत के पॉलिटिकल पार्टी बनाने के ऐलान के बाद उनके दूसरी पार्टियों से गठजोड़ को लेकर दावे शुरू हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन ने ट्वीट कर दावा किया, रजनीकांत 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, लेकिन इसके पहले वह 2019 में मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होंगे। वह बीजेपी के नेचुरल पॉलिटिकल पार्टनर हैं और बीजेपी को आम चुनाव में जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि रविवार को रजनीकांत ने कहा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा और ये पार्टी तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। रजनीकांत पर बीजेपी का ऐसे दावे की वजह क्या है? तमिलिसाई सौंदरराजन ने ट्वीट में रजनीकांत और बीजेपी के मकसद को एक बताया। उन्होंने कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में रजनीकांत बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी और रजनीकांत का साथ एक नेचुरल अलायंस होगा। रजनीकांत करप्शन का विरोध करने के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। यही मकसद नरेंद्र मोदी और बीजेपी का है। रजनीकांत का 2019 के चुनावों पर क्या स्टैंड है? पॉलिटिकल पार्टी बनाने के ऐलान के वक्त ही रजनीकांत से साफ कर दिया था कि 2019 के चुनाव में वे किसका साथ देंगे। इस बात का फैसला भी वे उसी वक्त करेंगे। हम आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।